हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्किन केयर हेयर केयर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि घर पे फेशियल कैसे कर सकते हैं। यस, आप पार्लर में तो बहुत सारे फेशियल कराते होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट कुछ दिनों बाद आपकी स्किन पे वापस वैसा ही हो जाता है। लेकिन स्किन केयर अगर आप DIY से करते हो, होममेड रेमेडीज से करते हो और घर की ही चीजों से, जिसमें प्रेजेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार बनाने के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि बाहर के सारे इफेक्ट आप भूल जाओगे। तो आज की वीडियो में मैंने जो फेशियल बताया है आप सबको, उसमें सारे स्टेप्स मैंने फॉलो नहीं किए हैं। सारे स्टेप्स जैसे क्लींजिंग, टोनिंग, एक्सफोलिएशन, स्टीम, मॉइस्चराइजेशन, फेस मास्क, इन सारे स्टेप्स को मैंने फॉलो नहीं करके सिर्फ 3 स्टेप में आपको बताया है कि स्किन इन 3 स्टेप्स में सिर्फ घर के ही चीजों से आप कैसे फेशियल घर पे कर सकते हैं। तो स्किन को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए ये फेशियल जरूर अपने घर पे ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये फेशियल कैसा लगा। तो फेशियल के फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे रोज वाटर स्प्रे किया था अपने फेस पे, जो कि बहुत ही अच्छा क्लींजर है, बहुत ही अच्छे से हमारे पूरे फेस को क्लींज करती है, डर्ट इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। सेकेंड स्टेप मैंने यहाँ पे एक्सफोलिएशन के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे, और एक्सफोलिएशन के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ओट्स लिया था, जिसमें प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज स्किन को बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है, ग्लोइंग इफेक्ट देती है और हमारी स्किन के से डर्ट और इम्प्योरिटीज को रिमूव करती है। सेकेंड यहाँ पे मैंने एक और इंग्रेडिएंट लिया था एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर, और वो है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर भी हमारी स्किन को बहुत ज्यादा चमकदार और ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही लिया था, और इन तीनों ही इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर लो और अपने फेस को, पूरे फेस को एक्सफोलिएट करो। अगर आपने इसे अपने फेस पर, अपने गर्दन पर और अपने हाथों पर भी लगाया है तो भी इसका उतना ही इक्वली इफेक्ट करता है हमारे पूरे स्किन पर, क्योंकि हमारी स्किन से टैनिंग भी रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, हमारे स्किन से धीरे धीरे पिगमेंटेशन भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरे फेस पर अच्छे से एक्सफोलिएट करें, और अच्छे से एक्सफोलिएट करने के बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। यहाँ पर मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया था, और सेकेंड स्टेप के बाद ही मुझे काफ़ी चमकदार अपना स्किन नज़र आ रहा था, और बहुत ही सूदनिंग इफेक्ट मुझे फील हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पे मैंने फेस मास्क अब बनाया था बहुत ही अच्छा, घर के 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट से। और इसके सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया था गेहूं का आटा, दैट इज व्हीट फ्लावर, आप यहाँ पे 1 चम्मच ले सकते हैं व्हीट फ्लावर। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था ऑरेंज पील पाउडर, संतरे के छिलके का पाउडर, ये कंप्लीटली होममेड है। अगर आपके पास होममेड ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप इसे मार्केट से भी बाय कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी। और थर्ड यहाँ पे मैंने लिया था कॉफी 1 सैशे, और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दही लिया था, आप चाहें तो यहाँ पे 1 चम्मच 2 चम्मच मिल्क भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, और इसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें रोज वाटर भी ऐड करके इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पर अप्लाई करो, पूरे फेस पर, अपने नेक पे, अपने हाथों में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ये बहुत ही इफेक्टिव फेस मास्क है, ये फेस मास्क आपके टैनिंग को भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, और समर सीजन में हम सबको टैनिंग हो जाती है हाथों में, पैरों में, तो आप इस फेस मास्क को नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, अपने हाथों पे, जहाँ भी आपको टैनिंग हुई है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर दें, जैसे कि मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया था, और इसके 10 से 15 मिनट बाद ये काफ़ी ड्राई हो चुका था, इसके बाद ही मैंने इसे पानी से वॉश किया। वॉश करने के बाद आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन पर सूटेबल है आप उसे अप्लाई करो, और दैट्स इट, फेशियल हमारा डन हो गया आज के लिए। घर का होममेड इजी फेशियल आपने किया अपने फेस पे, आप सब भी अपने फेस पर ट्राई करो इजी फेशियल, और मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर करो कि कितना इफेक्टिव था आपके स्किन के लिए और आपके स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कितना बेनिफिशियल था ये फेशियल, मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। गाइस, तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छे लगे होंगे, और मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, मेरी रेमेडीज आपको अच्छी लगती हो, आपको इफेक्ट देता हो, बहुत अच्छा आपको हेल्प करता हो आपके स्किन केयर रूटीन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और बाय बाय।